हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरी चैनल ऑल इन वन ग्रो पर। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सुई मावा की गुजिया। इससे पहले आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी कोई वीडियो हम अपलोड करें आप तक पहुँचे। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की ओर। सुई ली है, मावा, पिसी हुई चीनी, कद्दूकस किया हुआ नारियल, बादाम, काजू, मैदा। गुजिया के लिए हम डो तैयार करेंगे। मैदे को हम छान लेंगे। मैदे को हमने छान लिया है। घी लेंगे मोयन के लिए 2 टेबल स्पून। घी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे मैदे में। घी को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है मैदे के साथ। देखिए हमारा डो बिल्कुल तैयार है। इस प्रकार से लड्डू बनने लगे तो डो तैयार है। तो हम अब इसे घी को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है मैदे में। अब हम मुट्ठी बांध के देखेंगे तो देखिए लड्डू बन रहा है। तो हमारा आटा बिल्कुल तैयार है। अब हम इसका डो तैयार कर लेंगे। डो हमने तैयार कर लिया है। जिस प्रकार हम रोटी का आटा लगाते हैं वैसे ही सॉफ्ट डो तैयार किया है हमने। अब हम इसे साइड में रख देंगे। पैन लिया है, घी लेंगे 1 टेबल स्पून, घी गरम हो गया है। बादाम डालेंगे कटी हुई, काजू लेंगे। इन सभी को हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स को हमेशा भून के डालें। भून के डालने से गुजिया में टेस्ट बढ़ जाता है। हमने इन्हें 2 से 3 मिनट चला लिया है। ये अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। कद्दूकस किया हुआ नारियल, इसे भी हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। नारियल को भी अच्छे से रोस्ट करके डालें गुजिया में। नारियल अच्छे से रोस्ट हो गया है। बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। अब हम इसे निकाल लेंगे। घी लेंगे, घी गरम हो गया है, सुई डालेंगे। सूजी को भी अच्छे से भून लेंगे।
सुई को हमने भून लिया है, अब हम इसे भी निकाल लेंगे, मावा लेंगे, मावा को भी हम अच्छे से भून लेंगे। एक चम्मच घी लेंगे, इसे भी हम 3 से 4 मिनट चला लेंगे अच्छे से। मावा को हमने अच्छे से भून लिया है, 3 से 4 मिनट अच्छे से चला लिया है, अब गैस बंद कर देंगे। मावा को हम सुई में डालेंगे, अच्छे से मिला लेंगे इसे। ड्राई फ्रूट्स लेंगे, नारियल, अच्छे से मिक्स कर देंगे सभी को। सभी को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। चीनी लेंगे पिसी हुई, इसे भी मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो बोरा भी ले सकते हैं। सभी को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, आटा अच्छे से सेट हो गया है, अब हम इसकी पूड़ी बना लेंगे। सभी पूड़ी को हमने बेल के तैयार कर लिया है, अब हम गुजिया तैयार करेंगे। अच्छे से बीचों में रखें, पूड़ी के चारों तरफ भी पानी लगा लें। अब इसे आराम से बंद कर दें। इसे अच्छे से पैक करें पानी लगा के। हमने इसे अच्छे से पैक कर दिया है, अब इसमें एक डिज़ाइन डालेंगे। आप चाहें तो कांटे वाली चम्मच से भी डाल सकते हैं। मैंने ये मसाले का चक्र फूल लिया है, मैं इसे बनाने वाली हूँ। देखिए कितनी बढ़िया डिजाइन तैयार है। फिलिंग को अच्छे से बीच में रखें, पूरी की साइड में ना फैलें। पानी लेंगे,
हमने इसे अच्छे से दबा दिया है पानी लगा के, डिजाइन डालेंगे। देखिए कितनी बढ़िया डिजाइन बन के तैयार हुई है। हम सारे गुच्छे तैयार कर लेंगे। गुच्छे हमने तैयार कर ली है, तेल गरम हो गया है, गुजिया डालेंगे। हमें इन्हें धीमी आंच पर सेकना है। अब हम इन्हें पलट देंगे। गुजिया को हम हल्का गोल्डन कलर आने तक सेकेंगे। गुजिया में गोल्डन कलर आ गया है, गुजिया हमारी सिक गई है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। ये भी गोल्डन कलर आने तक सेकेंगे। मुझे हमारी सीख गई है, निकाल लेंगे। सूजी मावा गुजिया बन के तैयार है। आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।